गुड मॉर्निंग वेलकम टू इजी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल तो आज का पहला ट्रेड मैंने ले लिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का एक पुट शॉर्ट शौ, किया है साथ ही उसको हैज किया है मैंने बैंक निफ्टी तिरतालीस हजार पुट से तैतालीस हजार तीन सौ का पुट जो मैंने लिया है वो चल रहा है अभी करीब चौसठ रुपए के आसपास पास चौसठ और उसको जो मैंने हेजिंग किया है वो है करीब दस रुपए के आसपास से तो जनरली लोग गाइस करते ये हैं कि हेजिंग जब करते हैं तो मार्जिन बेनिफिट के लिए दूर का कोई ले लेते हैं जैसे एक डेढ़ दो रुपए वाला बट यहां पे मेरा हेजिंग का जो लॉजिक है वो सिर्फ सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए नहीं कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए भी है एक तरह से एक इंश्योरेंस भी हो जाता है इसीलिए मैं जब हेजिंग करता हूं तो देखता हूं कि पंद्रह बीस परसेंट पच्चीस परसेंट इतने तक के वैल्यू से हेजिंग हो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दूर का हो क्योंकि वो अल्टीमेटली आज एक्सपायरी भी है बहुत ज़्यादा दूर का हो मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट चली जाती है तो वो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाता है और अगर यहाँ पे मार्केट अगर पलटती भी है मेरे फेवर में नहीं चलती तो मैं अपना जो मैंने शॉर्ट किया है जो सेल किया है उसको मैं एग्जिट कर दूंगा और दूसरे वाले को मैं होल्ड रख सकता हूँ क्योंकि दो सौ तीन सौ पॉइंट तो बैंक निफ्टी आपको पता है कि अगर मूव करता है तो चंद ही घंटों में कर देता है तो इसीलिए बस यही सोच के मैंने जो है इसको इस तरह से हज किया और अभी देख सकते हैं आप जो है प्रॉफिट चल रहा है पुट सेल करने के पीछे का लॉजिक सिंपल था मार्केट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुबह से बुलिश ट्रेंड में था और एक ट्रेंड में या आप कह सकते हो एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था तो उस चैनल को देखते हुए मुझे लगा कि एक्सपायरी है तो ऐसा राधर देन कि एक ट्रेड के पीछे भागा जाए दो छोटे छोटे ट्रेड मार लिया जाए या एक ट्रेड या निकाल लिया जाए एक थोड़ी देर बाद निकाल लिया जाए तो शायद उससे जो हमारा दिन का टारगेट रहता है चार से पाँच सौ रुपए का वो निकल जाएगा मेरा टारगेट जनरली ये रहता है कि मैं रोज़ जो है वो प्रॉफिट चार से पाँच के आसपास लेके जाऊं और हफ्ते में करीब पांच में से चार दिन तो मेरा प्रॉफिट हो ही जाता है अगर एक दिन लॉस हो भी जाता है पाँच सात रुपए का तो खास उससे फर्क नहीं पड़ता और एंड ऑफ द मंथ जो है वो प्रॉफिट में रहता है, रहता है जनरली ऑप्शन बाइंग में लोग वन इस टू वन वन एस टू टू वन एस टू थ्री का टारगेट लेके चलते हैं जो कि जरूरी भी है बट ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों आप ये कर सकते हो आप अपना प्रॉफिट वन इस टू वन या फिर आप कह सकते हो कि पॉइंट फाइव इस टू वन करके भी चल सकते हो कि अगर आपका प्रॉफिट कम भी हो रहा है लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है बट क्योंकि इसमें आपके प्रॉफिटेबल डेज ज्यादा रहते हैं रिस्क इसके अंदर कम रहता है तो एंड ऑफ द मंथ आप जो है प्रॉफिट में रहते हो और हमारा यही होना चाहिए फंडा कि हम जो है एंड ऑफ द मंथ जो है वो प्रॉफिट में रही हम ट्रेडिंग के हमारे पीछे लॉजिक होना चाहिए तो मेरा जो टारगेट है इसमें चार के आसपास का है और अब देख सकते हो कि वही जो है मेरा जो टारगेट है उसके आसपास ही चल रहा है तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं देखते हैं कि क्या है इतने कितना निकल सकता है अगर ये 400 के नीचे जाने लगेगा तो फिर मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा मैं इसको यहीं पे एग्जिट कर दूंगा क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे भी जा सकता है तो अभी जो है कभी करीब करीब अपने टारगेट के आसपास ही चल रहा है तो थोड़ा सा और होल्ड कर लेता है गाइस देखते हैं कि ये जो है किसने नीचे जा सकता है या थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिश्तों लेना ही पड़ता है तो मेरे जो माइंड में फोर्टी टू के आसपास का प्राइस है मैं उसका एसएल एल यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि ये बहुत देर से चालीस पैंतालीस के आसपास ही चल रहा है तो फोर्टी पे अगर ये जाएगा तो अपने आप कट जाएगा आपको पता ही है ये सेलिंग में जितना पॉइंट कम होगा उतना बेनिफिट आपको मिलेगा मिलेगा और निफ्टी में एक पॉइंट पे आपको करीब पचास रुपये मिल जाते हैं सिंगल लॉट पे तो चवालीस आसपास चल रहा है तो करीब सौ रुपये अपना और बढ़ जाएगा तो एस इसको लगा देते हैं बट uh, ये मैंने देख आप देख सकते हो मैंने जो है ना इसको वहां से एग्जिट कर दिया था देखते के साथ ही अब मैं इसको भी कर देता हूं हेजिंग वाले को भी उसके पीछे रीजन ये था कि मार्केट बाबार ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था तो वो जो है वहां पे फोर्टी पे कट गया और इसके बाद मैंने दोस्तों एक चीज और करी जो मैंने दिन में देखा तो एक मौका जो मुझे लगा एक छोटा सा स्कैल्प का बन रहा है तो मैंने एक छोटा स्कैल्प और ले लिया और वहां दो और आ गए